मछली की खेती करने का अनोखा तरीका जिसे जानकर दंग हो जाएंगे। एक ऐसा जादुई मंदिर जहां का पिलर हवा में उड़ता है। और क्या कभी आपने सोचा है कि फैक्ट्री में सोना कैसे बनता है? या फिर क्या आपको पता है ज़ॉम्बी स्पाइडर के बारे में, जो आधा मरा हुआ होता है और आधा जिंदा? और ताज होटल बना था बदले की भावना से, ये भी जानेंगे वीडियो में आगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर वन, दोस्तों 16वीं सदी में बना लेपाक्षी मंदिर हवा में झूलते पिलर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर में बहुत सारे स्तंभ है, लेकिन उनमें से एक स्तंभ ऐसा भी है जो हवा में लटका हुआ है। यह स्तंभ जमीन को नहीं छूता और बिना किसी सहारे के खड़ा है। लोग इस बात की पुष्टि करने के लिए इस स्तंभ के नीचे से कपड़ा व अन्य चीजें निकालते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा करना शुभ माना जाता है। ये मंदिर जटायु के लिए बनाया गया है, जिसने अपनी जान पर खेल के सीता माता को बचाने की कोशिश की। लेकिन मंदिर का रहस्य इसके 72 पिलरों में से एक पिलर है जो जमीन को नहीं छूता। इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए अंग्रेज इसे किसी और स्थान पर ले जाना चाहते थे। इस मंदिर के रहस्य को देखते हुए एक इंजीनियर ने मंदिर को तोड़ने का प्रयास भी किया। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण सन 1583 में विजयनगर के राजा के लिए काम करने वाले दो भाइयों ने बनवाया था, पर इस पिलर का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। नंबर टू, भारत में सोना सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है गहनों के रूप में। आइए जानते हैं फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है सोना। आमतौर पर सोना बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है, हालांकि इसे सिल्वर, कॉपर, जिंक और लीड से भी निकाला जाता है। उसके बाद फैक्ट्री में सोने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में धोया जाता है। अच्छे से धोने के बाद सोने को छोटे छोटे गोल आकार में निकाला जाता है, जिसके बाद इसे पिघला के गोल्ड के बिस्कुट बनाए जाते हैं और उसमें ट्रेडमार्क लगा दिया जाता है। इस प्रोसेस में कई बार टूटे हुए गोल्ड के बिस्कुट या गलत शेप के पीसेस बाहर आ जाते हैं, तो फिर उन्हें फिर से पिघला के उनको रीशेप किया जाता है। दोस्तों, पहले बस एक सोने की चैन बनाने में 2 दिन का समय लगता था, वो भी दिन रात मेहनत करने के बाद। लेकिन अगर आज देखा जाए तो सोने की कैसी भी माला और कैसी भी रिंग मशीन में डिजाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ बस कुछ घंटों में हो जाता है। नंबर थ्री, अमेरिका के किसी अस्पताल में कहीं आपको टहलते हुए स्पाइडरमैन दिख जाए तो चौंकिएगा नहीं। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि रिकी मीना है। रिकी मीना स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में रोजाना किसी न किसी अस्पताल में जाते हैं। किसी को उनके जाने या आने की खबर तक नहीं होती। यदि कोई उन्हें देख भी ले तो वो टोकता नहीं है, क्योंकि ये स्पाइडरमैन केवल बीमार बच्चों के रूप में दाखिल होता है। वहाँ पहुंचकर वह खुद को बच्चों को सौंप देता है। इसके बाद बच्चे जैसा चाहते हैं स्पाइडरमैन वैसा ही करता है। यदि वे उसे नाचने के लिए कहे तो स्पाइडरमैन डांस करना शुरू कर देता है। यदि कोई स्टंट के लिए कहे तो वो बिना देर किए अस्पताल में कूद फांद मचा देते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उनकी हरकतें देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। वो कभी कभी तो बच्चों के साथ वीडियो गेम खेलता है, पंजे लड़ाता है और कभी बस उनका हाथ पकड़े घंटों तक बैठे रहता है। उसमें कुछ ऐसा जादू है कि बच्चे सारे दर्द, अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। और मानो या ना मानो, पर इन्होंने 10,000 से ज्यादा जिंदगी से हारे बच्चों को नई उम्मीद दी है और आज वो जिंदा है। नंबर फोर, दोस्तों ब्रिटिशर्स के दौर में ब्रिटिशर्स से अपमानित महसूस होने के बाद जमशेद जी टाटा ने मन ही मन में ये निश्चय किया कि मैं भी विश्व के प्रसिद्ध शहरों में ऐसा प्रतिष्ठित होटल बनाऊंगा जहां अंग्रेज भी एक बार आने के लिए तरस जाएंगे। उन्हीं के इस पक्के निश्चय के वजह से ताज होटल अस्तित्व में आया। उन्होंने सबसे पहले इसका निर्माण मुंबई में समुद्र के तट पर कराया। ताजमहल होटल की मुख्य इमारत का निर्माण इंडो सरकैनिक शैली में करवाया गया था तथा इसे पहली बार 16 दिसंबर 1903 को खोला गया। इसके मुख्य शिल्पी सीताराम खंडेराव वैद्य एवं डीएन मिर्जा थे तथा ये प्रोजेक्ट एक इंग्लिश इंजीनियर WA चैम्बर्स द्वारा पूरा किया गया। इसके निर्माणकर्ता खान साहेब सोराब जी रतन जी थे, जिन्होंने इसकी प्रसिद्ध मध्यवर्ती तैरती हुई सीढ़ियां भी डिजाइन की। उस समय इसके निर्माण की कुल लागत 25 लाख रुपए थी और आज ताज होटल मुंबई की आन बान शान है और दूर दूर से बड़े बड़े लोग बस ताज होटल में रुकने के लिए आते हैं। नंबर फाइव, दोस्तों अगर मछली बेचने की बात करें तो आपके दिमाग में आता होगा लोग बड़ी बड़ी शिप में समुद्र में जाला लेके मछली पकड़ने जा रहे हैं। लेकिन आजकल लोग हार्ड वर्क नहीं करते बल्कि स्मार्ट वर्क करते हैं और इसीलिए मछली पकड़ने की जगह अब लोग मछली की खेती करते हैं। ये पहले तो ढेर सारे मछली के अंडे खुद फर्टिलाइज करते हैं, फिर उन्हें कुछ महीने तक फैक्ट्री में ही बढ़ने देते हैं। फिर कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद इन सब मछली के अंडों को तालाब में डाल दिया जाता है और फिर इन्हें एक बड़े से ट्रक से ढेर सारा खाना दिया जाता है और कोई भी मछली भूखी ना रहे इसीलिए फिर एक छोटी नाव से सारी मछलियों को कोने कोने तक खाना दिया जाता है। और फिर अगर तालाब में इतनी मछलियां है तो तालाब का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, इसलिए एक मशीन के जरिए पूरे पानी में ऑक्सीजन डाला जाता है। और मछली जब पूरी बड़ी हो जाती है तो उन्हें पकड़ के फैक्ट्री में लेके जाया जाता है, जहां उन्हें अच्छे से काट के मार्केट में फिश मीट के रूप में बेचा जाता है। हर साल ऐसी कंपनी 30 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाती है। नंबर सिक्स, दोस्तों क्या आपने कभी ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन देखा है? अगर नहीं तो आज देखेंगे। ये जो स्पाइडर की प्रजाति है इसे खास ज़ॉम्बी स्पाइडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्पाइडर ऑलमोस्ट मर गए होते हैं और
ये अपने आप पर अपने जाले की ऐसी परत बना लेते हैं जिसकी वजह से ये आधे जिंदा रहते हैं और आधे मर गए होते हैं। ये ऐसे फार्म में खा नहीं सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते, बस हिल डुल सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ये आज तक रहस्य है। साइंटिस्ट अब तक नहीं समझ पाए कि ये ऐसा क्यों करते हैं। नंबर 7, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां रोजाना 20 लाख लोग आते हैं और रोज हजारों ट्रेन आती है। अगर आप अभी तक नहीं समझे हो तो हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले और सबसे पुराने में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन की। ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन माना जाता है, फिर भी आज तक ये सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। हाल ही में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। दोस्तों आपको शायद ये अजीब लगे, पर कुछ फॉरेन से मुंबई के इस रेलवे स्टेशन में आते हैं ताकि वो इतनी भीड़ भाड़ को एक्सपीरियंस कर सके। यानी लोग हजारों रुपए खर्च करके धक्का मुक्की करवाने आते हैं। पर हम क्या कह सकते इस बारे में, ये लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है और जो चीज उनको अनोखी और रेयर लगती है उसे देखने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।